इतने सारे ट्रीटमेंट आसनसोल में मिलते, ये तो मुझे जी पता नहीं हाँ, था। नाइस, रीलुक रियली में काफी अमेजिंग अमेजिंग। जो पिंपल्स रहेंगे ना, पिंपल्स ये इससे चले जाएंगे, बट वन टाइम में नहीं, बट फर्स्ट टाइम में आपको फर्क दिखेगा। ओके, तो अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, तो ये है हमारा आसनसोल बस स्टैंड, काफ़ी लोग जानते होंगे। और ये रास्ता आप देख सकते हो, इसे हटन रोड मोड़ भी कहते हैं, उसके ठीक सामने आपको रीलुक सैलून मिलने वाला है। तो आज चलते हैं हम लोग रीलुक सैलून को एक्सप्लोर करने के लिए, क्या ऑफर है, क्या बेस्ट सर्विसेज है, ये सारे देखने के लिए। क्योंकि न्यू सैलून ओपन होता है ना, तो हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा होगा, क्या क्या यहाँ पे सर्विस है, कितने ऑफर्स चल रहे हैं। सो लेट्स कम गाइज। ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, इस तरीके से आप सीढ़ी से करके अप में भी जा सकते हो। एंड जैसे मैं ऊपर पहुँची ना, आई एम टोटली शॉक्ड, इतने सुंदर से यहाँ पे मुझे वेलकम किया गया। वाओ, जस्ट अमेजिंग थिंग, मुझे काफ़ी पसंद आया। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी नाम सुना कि रीलुक सैलून काफ़ी बेस्ट सर्विस दे रही है, तो इसे ही जानने के लिए मैं पहुंच गई अंदर की तरफ, और आप सभी को भी दिखाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इसे लेके क्या कर रही हूँ, तो चलो पहले मैं आप सभी को हाय कर दूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू हेमस ब्लॉगिंग वर्ल्ड। गाइज, आज का वीडियो आपको रीलुक सैलून से होने जा रहा है। आपने तो स्टार्टिंग में सिनेमैटिक वीडियोस एंड फुल डिटेल तो देख ही लिए होंगे, थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि ये एक न्यूली ओपन सैलून है जिसका नाम है रीलुक। गाइज, इनके तीन ब्रांच है, एक है आपका रिवर साइड में, सेकेंड है राधानगर रोड एथनिक क्लब के पास में, एंड ये बस स्टैंड के पास में न्यूली ओपन हुआ है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन रीलुक सैलून कि आप सभी इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हो। तो गाइज, ये वीडियो बनाना तो बनता है कि इतना ग्रोइंग ये सैलून है, और आप सभी के सामने प्रेजेंट करना और आप सभी को फुल डिटेल देना तो काफ़ी बेस्ट है। मैं बहुत देर वेट की कि क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स थे, तो थोड़ा फ्री हुए, भैया भी थोड़ा फ्री हुए, तो मैंने सोचा कि चलो शूट कर लिया जाए एंड फुल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, वरना बिग ऑफर्स कुछ चल रहे हैं, वो छूट ना जाए। ओके, और सेकंड थिंग इज़, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। फेसबुक से देख रहे हो ना, तो आप सभी इस वीडियो को फॉलो कर देना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पूरे आसनसोल को पता चल सके कि रीलुक सैलून ओपन हुआ है। ओके, सो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, ये यहाँ की स्टाफ है। हेलो। हेलो मैम, योर गुड नेम? अंशु कुमारी साव। अंशु जी, ओके, तो आप जब भी आओगे तो अंशु यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। जी हाँ। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं आप सभी को भी बता देती हूँ कि बिकॉज की यू आर माई फैमिली, मेरा ना है स्ट्रेटनिंग मैं करवाई थी, ठीक है, बट हेयर यहाँ से फिर से रीग्रोथ हो रहा है, ये सबका होता है एंड काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ भी काफ़ी है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? मैं बता देती हूँ, आप कितने दिन पहले हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई हैं? अप्रॉक्स 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ हो चुके हैं। आप स्ट्रेटनिंग करवाई थी या फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट ली थी? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सिर्फ ओनली स्ट्रेटनिंग। होम केयर आप क्या की थी मैम?
होम केयर था मेरा, मतलब नॉर्मली जैसे मतलब प्रोफेशनली शैम्पू से वॉश करना, देन स्पा वगैरह एक दो बार मैंने ली थी बस। मतलब हर मंथ आप स्पा केयर नहीं करती थी? नहीं बिल्कुल टाइम नहीं होता था। देखिए मैम, आपका रूट में क्रीम लग गया होगा इसीलिए वो आपका रिग्रोथ होना शुरू हो गया होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि हर मंथ आपको केयर करना पड़ता है हेयर स्पा, ठीक है मैम, जो आप हर मंथ हेयर स्पा केयर नहीं की है। हाँ, क्योंकि केयर आप नहीं करेंगी ना, वो बाल आपका ड्राई भी हो जाएगा स्ट्रेटनिंग करने से। स्ट्रेटनिंग का होम केयर तो कंपलसरी है, एंड हेयर स्पा हर मंथ आपको कंपलसरी है करना। ये तो सही हाँ, है। आप हेयर स्पा नहीं करती है तो एक सोल्यूशन है उसका, स्ट्रेटनिंग प्लस कोई केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस आप ले सकती है। ट्रीटमेंट में कैरोटीन ट्रीटमेंट, जैसे कि स्ट्रेटनिंग आप करवा लिए और कैरोटीन ट्रीटमेंट कर लिए। कैरोटीन में क्या होगा आपका कि वो एक बार आप करेंगे तो 6 मंथ तक आपका स्टे करेगा, 6 मंथ तक आपको स्पा नहीं लेना होगा। बट जब आप स्ट्रेटनिंग करती हैं तो आपको हर मंथ आपको स्पा कंपलसरी है मैम। जब तक आप हर मंथ स्पा नहीं लेंगी तब तक आपका, जब आप नहीं लेंगी जो भी मंथ, आपका हेयर ड्राई हो जाएगा, वो ऑब्वियसली रीग्रोथ भी हो जाएगा। और आपका जैसे कि यहाँ आपका कर्ल्स हो गया है ना, वो भी क्या 6 मंथ में ही कर्ल्स हो गया। मैं इतना गारंटी दूंगी, जब मैं करूंगी आपका स्ट्रेटनिंग, ये जो कर्ल्स हो गया ना, ये कर्ल्स एकदम नहीं होगा। 100% का 200% में गारंटी देती हूँ उसका। तो गाइस, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, रियली मुझे तो काफी पसंद आया। एंड आप सभी को, मेरे जो भी गर्ल्स व्यूअर्स देख रही हो ना, आप सभी को भी सेम प्रॉब्लम होगी किसी ना किसी को, तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, थैंक यू सो मच। वेलकम। और एक चीज मैम, जैसे कि आप अभी बोल रही थी कि मुझे कुछ करवाना है, तो अभी आपका 6 मंथ हुआ स्ट्रेटनिंग का, ठीक है, तो 6 मंथ में फिर से स्ट्रेटनिंग में सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। 1 ईयर हार्डली होना चाहिए आपका। 6 मंथ में वो केमिकल प्रोसेस है आपका, ठीक है। अच्छा, फिर से आपका केमिकल हेयर में जाएगा ना, वो डैमेज हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग होता है वो केमिकल, ठीक है। तो आपको करवाना है तो आप ट्रीटमेंट प्रोसेस कीजिए। ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपका बहुत कुछ आएगा, एक कैरोटीन ट्रीटमेंट आएगा, नैनोप्लास्टी आएगा, एंड बोटॉक्स आएगा। कैरोटीन ट्रीटमेंट में आपका होगा कि आपका रिग्रोट करेगा, रिग्रोट करेगा, वॉल्यूम देगा, आपका हेयर भी अच्छा हो जाएगा। अरे मेल या फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ओके, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके कोई भी क्वायरी हो आप लोग पूछ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ अब कुछ कुछ अपना ट्रीटमेंट लेने के जी, लिए बिल्कुल मैम। तो आप सभी देखो कि यहाँ की सर्विस कैसी है। सो लेट्स स्टार्ट। रूम जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें फेशियल होती है, ये देख सकते हो, तो यहाँ पे फेशियल हो रहा है ना। ये कौन सा फेशियल हो रहा है? ये हाइड्रा विटा लोटस का फेशियल हो रहा है मैम। पहले मैंने डिटैन किया, डिटैन के बाद फेशियल किया, हाइड्रा विटा फेशियल लोटस का। ये आपका ट्रीटमेंट फेशियल हो रहा है, जिनका फेस में एक्ने पिंपल्स वगैरह होती है ना, उसका फेशियल हो रहा है। उसमें आपका ओजोन जाएगा आपका, वेट में मैं देके देखती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लेट के मतलब फेशियल हो सकता है? ओनली फॉर फीमेल के लिए ये फेशियल रूम है कि क्लाइंट को रिलैक्स मिले। अच्छा, हाँ, मेल के लिए आपका बाहर सर्विस होते हैं, फेशियल हो या एनी सर्विस, ओनली फॉर फीमेल के लिए रूम में सर्विस होते हैं, फेशियल रूम में। वाह, बहुत अच्छा, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। नहीं, रिलैक्स मिलना चाहिए ना मैम, क्योंकि क्लाइंट आते हैं रिलैक्स होने के लिए, फेशियल के लिए, तो फीमेल के लिए, तो हम लोगों के लिए ये फेशियल रूम है रिलैक्स करने के लिए, जो वो रिलैक्स भी मिल जाएगा उनको और सर्विस भी बेटर होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम में मेरे यहाँ सैलून में आएंगी वो। सही है, बिल्कुल, ऐसा तो किसी भी सैलून में प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये ओजोन का है, जो ये डार्क सर्कल जिनका रहता है ना, डार्क सर्कल के लिए ये काम करता है आपका। बट ये एक बार करने से ये क्लीन नहीं होता है मैम, इनका ट्रीटमेंट होता है, आपको 3 मंथ लेना होगा, 10 डेज में ये ट्रीटमेंट। तो ये डार्क सर्कल चला, ये डार्क सर्कल 100% ये चला जाता है, ये डार्क सर्कल का ये काम आता है पूरा। नाइस व्यूअर्स, मतलब ये सारे, इतने सारे ट्रीटमेंट आसनसोल में मिलते, ये तो मुझे पता नहीं था। नाइस, रीलुक रियली में काफी अमेजिंग यहाँ पे वर्क
और मैं एक चीज दिखा दे रही हूँ, ये ओनली आपका डार्क सर्कल का था। अब आपका जो पिंपल्स होते हैं ना, पिंपल्स जिनका मतलब एक्नी जैसा जो होते हैं फेस में, वो भी आपका चला जाएगा। बट वो एक बार में लेने से नहीं जाएगा मैम, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। हर 3 मंथ आप लेंगी, हर 10 डेज या 15 डेज में, वो मैं गारंटी देती हूँ कि पूरा 100% वो चला जाएगा आपका। वाह नाइस नाइस, तो ये सब में भी ऑफर है? जी हाँ, ये सब भी ऑफर है मैम, ये सब में भी ऑफर आएगा आपका। तो भी फीमेल्स देख रही है ना इस वीडियो को, काफी अच्छी सर्विस है, आप लोग एक बार विजिट करो। ओके, रीलुक में विजिट करो। ये आप क्या करवा रही हो? वो मेरा बाल में बहुत सारा डैंड्रफ हो गया, उसी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बहुत रफ हो गया था। अच्छा, रफ भी हो गया था? हाँ, बहुत डैंड्रफ हो गया था बहुत। तो ये आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हो? नहीं, एक बार करवाए थे पहले, मतलब फिर मतलब बीच में नहीं, मतलब ये वाला है कि 2-3 बार बीच में लेना चाहिए था, बट हम बीच में आ नहीं पाए कुछ कारण से, इसीलिए अभी टाइम मिला तो अभी आए। तो काफी फायदा होता है इससे? बहुत। जी जी हाँ, ये मतलब मेल और फीमेल्स कोई भी करवा सकती हैं? जी हाँ, ये ट्रीटमेंट है आपका डेंटल ट्रीटमेंट एंड हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ये मेल टू फीमेल दोनों करवा सकती हैं, जिनका डेंडेड रहते हैं या हेयर फॉल रहते हैं, ये ट्रीटमेंट है। बट वन बार में ये ट्रीटमेंट जाएगा नहीं, आपको 10 डेज में ये डेंटल ट्रीटमेंट या हेयर फॉल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। 3 से 4 बार आप स्टिक्स लेंगे तो वो चला जाएगा पूरा जड़ से। जी हाँ, हेयर फॉल आपका वन टाइम में ही आप एम्पुल्स लेंगी एंड ओजोन लेंगी आप, तो वो जड़ से पूरा खत्म हो जाता है, बट वन टाइम में नहीं, उसके लिए आपको 3 बार लेना पड़ेगा। ओके, मतलब कोई भी जैसे कि कोर्स होता है ना? जी हाँ, वो कोर्स है मैम। सो स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, पैड डालिए आप। बहुत ज्यादा पैड डर्टी हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से सर्विस मैं फर्स्ट टाइम किसी सैलून में करवा रही हूँ। ये पैकेज मैम, सो गाइज मतलब बहुत नीड होती है इस चीज़ की, क्योंकि हम लोग फेस पे तो ध्यान देते ही हैं, बट हाथ एंड पैरों पे ध्यान नहीं देते, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड काफ़ी रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, जिस तरीके से कर रही हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाइस, वाह नाइस, बहुत ही अच्छे से मतलब काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, तो मैं फुल आप आराम से यहाँ सो के भी सर्विस ले सकती हैं। एंड अंशु जी के हाथों में तो लाइक जादू है, तो जो भी फीमेल्स फ्रेंड हो ना, आप लोग आओ यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको स्किन रिलेटेड या फिर हेयर रिलेटेड, आप ज़रूर आप बताना, वो अच्छे से गाइड कर देगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके फ्रेंड, तो स्क्रीन पे नंबर है, मैं बार बार आपको गाइड कर दूँ, स्क्रीन पे नंबर चल रही है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी कर सकते हो। और जस्ट हार्टन रोड वाले ब्रांच में हमें ये फैमिली सैलून है, यहाँ की सर्विसेज काफ़ी पसंद आई। एंड चलते यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनसे रिव्यू लेना तो बनता है। तो भैया आप कहाँ से आए हो? मैं हावड़ा से आया हूँ। हावड़ा से डायरेक्ट? या तो कैसा लग रहा है यहाँ का सर्विस आपको? फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा, योर गुड नेम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। विक्रम गुप्ता। विक्रम, अच्छा, तो विक्रम भैया को सर्विसेज अच्छी है। वैसे आप क्या करवा रहे हो? क्लीन करा रहा हूँ, बाल हेयर कट करा रहा हूँ, हेयर कटिंग वगैरह। ओके, तो अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? कोई भी आइए, कुछ ना कुछ कराते रहिए, और क्या। बिल्कुल, और एक भैया है यहाँ पे, तो भैया आप यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम विजिट किए हो? यहाँ पे मेरा ये सेकंड विजिट है, इससे अच्छा। पहले मैं इनका जो ब्रांच है चित्रा में, वहाँ पे मैं सारा फेशियल ट्रीटमेंट हो या हेयर ट्रीटमेंट हो। पुराने यहाँ पे कस्टमर्स है? अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स पुराना हूँ। 15 years, मतलब ये रीलुक सैलून 15 years आप कह सकते हैं कि जब से मैं मेरा बियर्ड आना चालू हुआ तब से मैं रीलुक के साथ ही रिलेटेबल हूँ। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे दो बड़े भाई, मेरे भाभी, जो भी है, वो सारा जो हेयर ट्रीटमेंट होता है या फेशियल ट्रीटमेंट होता है वो रीलुक से ही लेते हैं। ग्रेट। और लास्ट 10 to 15 years से ये सारी सर्विसेज रुपेश जी रीलुक के थ्रू ही देते हैं हमें। वाह, मतलब ये हुआ ऑनेस्ट रिव्यूज, रियली में काफ़ी मोटिवेशन आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट की एंड ट्रीटमेंट वगैरह ली सच में,
तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह का फेशियल या हेयर ट्रीटमेंट लेना है तो आप बेझिझक अपने फैमिली के साथ रीलुक में विजिट कीजिए। इनका प्राइस कैसा लगता है, मतलब ज्यादा या कम? ऐसा प्राइस हमेशा ही पॉकेट फ्रेंडली रहा है। अच्छा। सब किसी को मालूम है कि हर चीज का दाम हमेशा बढ़ता है घटता नहीं। अच्छे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। हम खाने में अपना अगर उसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं, सेहत के ऊपर अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो अपने बालों के पीछे अपने फेशियल ट्रीटमेंट के पीछे भी हम क्वालिटी मेंटेन क्यों ना करें। और अगर वो क्वालिटी मुझे लीस्ट प्राइस पे मिल रही है तो वो तो और अच्छी है, अच्छे सर्विसेज के साथ, और इतना फ्रेंडली बिहेवियर है भी है यहाँ के जितने भी स्टाफ है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अपनापन देता है कि आप किसी जगह नए जगह में जा रहे हो तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा कि मैं नए जगह जा रहा हूँ मुझे कैसा सर्विस मिलेगा। सही है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और सर्विस भी बहुत अच्छा है मैम। ओके थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम। सभी तो सुन चुके हो ठीक है कि कैसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर। मुझे भी बहुत पसंद आया एंड मैं अब बार बार यहाँ आने वाली हूँ। जैसे कि जो पहले सेकंड वाले भैया ने कहा कि वो 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेबी के लिए भी एक कंफर्टेबल जोन हो गया है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। अप्रैल स्पेशल सैलून ऑफर निकला है यहाँ पर। ये ऑफर फीमेल एंड मेल दोनों के लिए है। फीमेल का ऑफर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। लोरियल का हेयर स्पा, O3 प्लस डिटैन, लोटस का फेशियल, उसके साथ आपका आईब्रो फ्री हो जाएंगे। ओनली ऑफर प्राइस 1849 रुपीस ओनली। सेकेंड ऑफर है स्मूथनिंग या फिर स्ट्रेटनिंग, उसके साथ हेयर कट प्लस आईब्रोस फ्री हो जाएंगे, ये दो चीज। उसका ऑफर प्राइस ओनली 3000 एनी लेंथ ओनली 3000। तीसरा ऑफर है कैरोटीन ट्रीटमेंट, उसके साथ फ्री हो जाएंगे हेयर कट प्लस आईब्रोज, उसका ऑफर प्राइस है 3500 ओनली 3500। ये लिमिटेड ऑफर है, 31 अप्रैल लास्ट ये ऑफर है। जिनको भी बुकिंग करना है नहीं कर सकते हैं, ये नंबर है 7001723347। इस नंबर पर आप कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हैं, ये लिमिटेड ऑफर है, जल्दी आप बुकिंग कर ले। फ्रेंड ये रीलुक के ऑनर भैया है। भैया नमस्ते कीजिए हमारे व्यूअर्स को। व्यूर्स। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि ये थर्ड आपका आउटलेट ओपन हुआ रीलुक का। तो यहाँ पे जितने भी ऑफर दे रहे हो काफ़ी बेस्ट ऑफर दे रहे हो। आपको सर्विसेज कैसा लगा मैम? सर्विसेज टू गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड अभी भी बहुत कुछ बाकी है बट मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा शूट है, तो मैं कल आऊंगी। कभी भी आकर सर्विसेज ले सकते हैं। तो टाइमिंग बता दीजिए ना हमारे व्यूअर्स को। हम लोग का ये जो फैमिली सैलून है हाटन रोड में, ये सुबह अराउंड 10 o'clock ओपन होता है और रात में 9 o'clock हम लोग क्लोज करते हैं। 9 o'clock अगर अगर जैसे कि बहुत सारे ऑफिस के भैया लोग होते हैं तो वो लोग 9 बजे 8 बजे आने से तो भी सर्विस मिल जाएगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है आपको, आप उस पे कॉल कीजिए और बुक कर सकते हैं। आप अपना गुड नेम शेयर कर दीजिए। एंड मैंने मतलब सुना कि आपका तीन प्लेसेस है। ये मेरा तीसरा ब्रांच है। ब्रांचेस का फुल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड योर गुड नेम शेयर कीजिए। माई नेम इज रुपेश ठाकुर और ये मेरा हाटन रोड का ब्रांच है। ये आपका सिटी बस स्टैंड आसनसोल के जस्ट ऑपोजिट में आपको मिलेगा। आप कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और एक ब्रांच है वो आपका बानपुर रिवर साइड में है, मानिक चंद मोड़ में। और एक ब्रांच है आपको मिलेगा चित्रा राधानगर एथलीट क्लब जो है, एथलीट क्लब उसके जस्ट ऑपोजिट में। अच्छा, किसी को आने में प्रॉब्लम होगी तो वो लोग कॉल करेंगे, आप रास्ता गाइड कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल में भी देख सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। गूगल में भी दिया हुआ है एड्रेस? दिया हुआ है। नाइस, तो गूगल में भी इनका एड्रेस है गाइस। एंड हम लोग को क्या करना है, रीलुक को लूट लेना है एंड अपने लुक को फिर से रीलुक को क्रिएट कर लेना है ना। एंड भैया हमारे सारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार एटलीस्ट हमारे सैलून में आइए, सर्विस लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए सर्विस हम लोग का कैसा है। क्यों आसनसोल में बहुत सारा सैलून है, आप कन्फ्यूज मत होइए। आप एक बार आके सर्विस लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि हम लोग का सर्विसेज कैसा है, उसके बाद तो फिर आप कंटिन्यू आएंगे इधर। आप लोग आइए इधर, हम लोग के पास जो स्टाफ है वेल ट्रेंड है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होंगे, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे सर्विसेज में। हमारे जो जितने भी कलीग और स्टाफ है सारे वेल ट्रेंड है।
बेस्ट से बेस्ट सर्विस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोग आके सर्विस का मजा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए 9735165087, और एक मेरा फ़ोन नंबर है आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं 7001723374। थैंक यू। तो हम लोग व्यूअर्स को चलते हैं बाय करने के लिए। ओके बाय व्यूअर्स।